हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम गणपति बप्पा जी के लिए मोदक बनाएंगे, जो हम बिना गैस चलाए बनाएंगे और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो हमने इसके लिए तो घर की मलाई ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तो ये 3-4 चम्मच ले ली है। तो मैं अब पिसी हुई चीनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह बूरा भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से बिस्कर से मिक्स कर देती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ। मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और ये थोड़ा सा 2-3 चम्मच गोले का बारूदा लिया है, तो आप भी ले सकती हैं। और इसे मैं अब हाथ से ही मिक्स कर देती हूँ। तो इसे हमें एक टाइट डो की तरह बनाना है। और अब ये हमारा डो बनकर के तैयार है। तो आप चाहें तो इसे सबसे पहले थोड़ा फ्रिज में रख दें, जिससे ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। और या आप इस तरह से भी इससे मोदक बना सकती हैं। यदि आपके पास मोल्ड है तो इसे पहले फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइट हो जाएगा और फिर मोल्ड में भरकर अच्छी तरह से मोदक बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं इन्हें हाथ से ही बना रही हूँ, तो इस तरह से मोदक का शेप दे रही हूँ। मैं तो इसका डिज़ाइन चाकू से बना रही हूँ। आप चाहें तो माचिस की सीक या टूथपिक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप गणपति जी के लिए घर पर ही मोदक बनाकर तैयार कर सकती हैं। और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ना ही आपको गैस जलानी पड़ेगी। और ये मेरे मोदक बनकर तैयार हैं। अब मैं थोड़ा सा पीला कलर ले रही हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल ना लें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं थोड़ा सा इन्हें गार्निश कर देती हूँ। तो इस तरह से आप लगाएं, आप अपनी मनचाहे हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मोदक हमारे बन करके तैयार हैं और हमें इसमें 10 मिनट भी नहीं लगा और हमारे मोदक बहुत अच्छे से बने हैं। आप भी अपने घर में मोदक बनाकर गणपति जी को भोग लगाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।